गंगा दशहरे पर आज रादौर में लोगों की ऐसी आस्था देखने को मिली कि लोग पश्चिमी यमुना नहर में जमा शहर के गंदे पानी में ही पूजा अर्चना करते दिखे। यहां पूजा अर्चना करने पहुंचे लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि नहर में पानी गंदा है, लेकिन गंगा दशहरे पर जहां पूजा करने की पौराणिक मान्यता है उसी के नाते वे यहां पर पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। हालांकि नहर में छोड़े जा रहे गंदे पानी के लिए उन्होंने सरकार व प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया। गंदा पानी है तो क्या करें, अपने सर दाय पूजा पाठ करके जा रहे हैं जैसे हर साल की तरह जाते थे, और प्रशासन को बोला भी था कि पानी साफ होना चाहिए, पूजा पाठ अच्छी तरह हो, पर क्या करें, कुछ भी यहाँ पे सुविधा नहीं हो रही है। वहीं इस बारे स्वामी महिषासुरम ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ तो भाजपा सरकार गऊ और गंगा की बात करती है, लेकिन उसी सरकार में नहरों की ऐसी स्थिति देख उन्हें आत्मिक दुख पहुंचा है। ये सरकार गंगा और गऊ का नाम तो करती है, लेकिन आज गंदे नाले में लोग सवेरे से पूजन कर रहे हैं। मैंने कई लोगों से रोका, कहा कि ये गंदे नाले का पानी है, शहर भर का आता है, क्यों पूजन कर रहे हो। लोगों ने कहा महाराज जी हम क्या करें, हमारे पूर्वज भी प्रत्येक वर्ष से ये आस्था का केंद्र यहाँ से पूजा करते रहे हैं, अब हम इस मिट्टी को पूज रहे हैं, इसको इसलिए पूज रहे हैं कि हम अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, हमारी भावनाएं हैं कि हमारे बुजुर्ग पूजन करते गए, हमको सिखा के गए हैं, इसलिए हमारा करना अनिवार्य है, कहा जाए इसलिए लोग पूजन कर रहे हैं, ये देख के बड़ा दुख हुआ मुझे। देश में जिन नहरों को जीवनदायिनी व पूजनीय माना जाता है, आज शासन प्रशासन की लापरवाही व इनकी सफाई के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के दावों की सच्चाई भी सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरटी भारत।